गोपीनगर नाम का गांव बहुत अमीर है। यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। ऐसे ही लोगों को खुदगर्ज कहा जाता है। यहाँ एक पीपल का पेड़ है जो बहुत ही घना है, जिसके नीचे चबूतरा बना हुआ है। सब लोग हंसे खुशी रहते थे, लेकिन एक रोज एक भिखारिन बुढ़िया दूसरे गांव से भीख मांगते गोपीनगर गांव पहुंच जाती है। वो मोहन के दरवाजे पर जाती है और भीख मांगती है। बेटा, कुछ खाना दे दो, भूख लगी है। ऊपर वाला आपको और दौलत देगा। सुबह सुबह भीख कौन मांगता है, काम पर जाने के समय। जाओ आगे, मैं अभी काम पर जा रहा हूँ। बाहर की आवाज सुनकर अंदर से कमला बाहर आई। रुको, मैं इनके लिए कुछ खाना लाई हूँ। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। बुढ़िया चली जाती है। क्या जरूरत थी खाना देने की, पैसे की बर्बादी करती हो। सब लोग हमसे अमीर हो रहे हैं और तुम पैसे उड़ा दो। तुम फिजूल की फिक्र कर रहे हो, खाना खराब हो चुका था इसलिए दे दिया। बुढ़िया खाना लेकर पीपल के पेड़ के नीचे चली जाती है। खाना को खोलती है तो उससे बदबू आ रही है। गौर से देखा तो उसमें कीड़े पड़ चुके थे। गरीब बुढ़िया ने खाना फेंक दिया और दूसरे घरों में खाना मांगने चली गई। और वो शीला नाम की खातून से बोली, ऊपर वाला बरकत देगा तुम्हें, मुझे कुछ खाना दो और गंदा खाना मत देना। मैं पहले से ही बीमार हूँ और बीमार हो जाऊंगी। एक तो भीख मांगती है और ऊपर से फरमाइश। जाओ, नहीं है मेरे पास तुमको देने के लिए कुछ भी। गरीब बुढ़िया वहां से दूसरे घर में खाना मांगने चली गई। एक शख्स ने थोड़ा सा खाना दिया। बेटा, थोड़ा सा खाना और दे दो, इसमें तो पेट भी नहीं भरेगा। देखो, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, महंगाई का जमाना है, पेट्रोल कितना कीमती हो गया है खबर है। गरीब बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती है कि उससे उसका पेट नहीं भरता। कुछ रोज में वो और ज्यादा कमजोर हो गई। बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से एक रोज बुढ़िया को बहुत जोरों से प्यास लगती है। आसपास पानी ना मिलने की वजह से वो लोगों के घर जाकर पानी मांगने लगती है, लेकिन वहां के लोग इतने खुदगर्ज हैं कि गरीब बुढ़िया को पानी भी नहीं दे रहे हैं। कोई मुझे पानी दे दो, कोई मुझे पानी दे दो। उसे कोई भी पानी नहीं देता है। उसे देखते ही वहां के लोग उसे भगा देते थे। लोगों के घर जाकर वो बहुत थक चुकी थी, लेकिन उसे पीने का एक बूंद पानी मयस्सर ना हुआ। चलते चलते वो उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बीमारी और पानी न मिलने की वजह से बुढ़िया का वहीं पर इंतकाल हो जाता है। बुढ़िया का इंतकाल होने के बाद यकायक वहां अजीब अजीब से वाकयात होने लगते हैं। जब रात को लोग सो रहे होते हैं तो आधी रात को एक खातून की तेजी से रोने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज इतनी तेज होती है कि पूरे गांव को सुनाई देती है। रोने की आवाज के साथ साथ चीखने की भी आवाज आने लगती है, जिससे लोग और खौफजदा होने लगते हैं। गांव के लोगों ने मीटिंग बुलाई। सब लोग उसी पीपल के नीचे जमा हुए। गांव वालों, ये क्या हो रहा है? गांव में रोज रात में एक औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इसका क्या हल है? मेरे बच्चे बहुत डर जाते हैं। इसका हल है, सब अपने अपने घर में मगरिब के वक्त हनुमान चालीसा बजाओ। इसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। लेकिन एक रोज मोहन उस पीपल के पेड़ के नीचे से जा रहा था कि उसकी कार खराब हो गई। पीपल के पेड़ के नीचे से जो गुजरता था उसकी तबीयत खराब हो जाती थी और उसे तेज बुखार हो जाता था। कभी हंसने की आवाज, तो कभी रोने की आवाज, तो कभी किसी के बात करने की आवाज आती है। ये सारी बातें लोगों के अंदर के खौफ को और ज्यादा बढ़ाती जा रही थी।
एक रोज यकायक गांव में पीपल के पास वाले घर में रहने वाला एक शख्स जो कुछ दिनों से लापता था, सुबह सुबह उस शख्स की लाश पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिलती है। इस बात ने गांव वालों को और ज्यादा खौफ ज़दा कर दिया था। कोई भी मगरीब के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के सब लोग अपने घर का दरवाजा बंद रखते हैं ताकि कोई गायब ना हो जाए। और उस पीपल के नीचे तो गलती से भी ना जाना, चुड़ैल रहती है उस पर, कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। बच्चे चादर ओढ़कर सो जाते हैं। पूरे गांव के लोग बेहद खौफजदा हैं। कोई भी घर के बाहर नहीं निकलता। पूरे गांव में मातम फैला हुआ है। मोहन और गांव के कुछ लोग एक साधु बाबा के पास जाते हैं और उस साधु से पूछते हैं, हम लोग एक बुढ़िया को भीख नहीं देने की वजह से परेशान हैं। वो भूख और बीमारी से मर गई थी। ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम गांव वालों की ही गलती है। तुमने एक बीमार गरीब बुढ़िया को अपने लालच और बेरहमी की वजह से मार डाला। तुम लोग उसे दो चार रोटी भी नहीं दे सके, जिसकी वजह से उस गरीब बुढ़िया की जान चली गई और अब वो अपना इंतकाम ले रही है। गांव वाले डर जाते हैं और साधु बाबा से पूछते हैं, क्या इसका कोई इलाज नहीं है बाबा जी? हवन, पूजा का इंतजाम करना होगा, तब शायद कुछ हो सकता है। हम सब तैयार हैं। हाँ हाँ, हम सब तैयार हैं। हवन पूजा शुरू हुआ। साधु के दुआ पढ़ने से चुड़ैल हाजिर हुई। ए साधु, तुम क्यों इस मामले में पड़ रहे हो? तुम अपने रास्ते चले जाओ, वरना तुम्हें भी मौत मिलेगी। देखो, इंसान से गलती हो जाती है। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे नाम का मंदिर बनवा देते हैं, लोगों को परेशान करना छोड़ दो। जिंदा थी तो कुत्ते से भी ज्यादा बदतर सलूक किया, आप देवी देवताओं की बराबरी दे रहे हो। मैं उस लायक नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल। कोई तो हल होगा जिससे कि तुम गांव वालों को बख्श दो। एक हल है, इन सब पापियों को गांव छोड़ना पड़ेगा, वरना मरेंगे। साधु तू भी चला जा, क्योंकि गुनाहगार के साथ बेगुनाह भी मारे जाते हैं। इस गांव को मेरी बद्दुआ है कि जो भी इस गांव में रहेगा वो तिल तिल मरेगा, जैसे मैं मरी थी। चुड़ैल गायब हो गई। साधु गांव वालों से बोलता है, इसका कोई हल नहीं है। जब तक वो अपना इंतकाम नहीं ले लेती, वो पुरसुकून नहीं होगी। धीरे धीरे लोग बीमार होने लगते हैं। बीमारी बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से गोपीनगर वालों को मजबूरन गांव छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा। लोगों की एक गलती की वजह से अपना घर, अपनी जमीन जायदाद सब छोड़कर जाना पड़ा। ये गांव अब वीरान पड़ा है। यहां ना तो कोई आता है और ना ही कोई रहता है। इसीलिए कभी भी गुरूर और बेरहमी से हमें किसी से बदसलूकी नहीं करनी चाहिए।